बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्ती पर, हमें परी तारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट पे जाएंगे। बीमार है शेर जी। शेर जी इधर इधर इधर। शेर जी मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ बेटा एक काम कीजिए, ये भैराजा के पीछे खड़ा ना, छह फुट का हटा कटा चप्पल आप उसे खाइए। ये ताऊ ताऊ। आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों। मैं शौर्य नहीं तिमनासा हूँ। वाह तिमनासा, आखिर हमने कर ही दिया। कि कल्प पुष्प काल लोक में आ ही गया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कालपुर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से जो मुमकिन हो पाया। हिमालय पर जिससे तुम मिले थे वो जरूर तिमनासा होगी, और काल परी की मदद से जरूर उसने मेरा रूप धारण किया होगा। बहुत खूब तिमनासा, अब हमें तुरंत ये फूल परी तारा को अर्पित करके वीरलोक की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है भैमान जितना तुम सोच रहे हो। कल पुष्प को अर्पित करने से पहले हमें परी तारा को जागृत करना होगा, और उसे जागृत करने के लिए विशेष मंत्र की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शौर्य ही जानता है। और शौर्य ने खुद आकर ये मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस कल्प पुष्प का करें क्या? इसकी माला बनाकर टांग दे आपकी गले में। शौर्य हमें मंत्र नहीं बताएगा, लेकिन बालवीर को तो जरूर बताएगा। लेकिन तुम एक बार बालवीर को चकमा दे चुकी हो तिमनासा, दोबारा शौर्य का रूप लेके उससे मंत्र कैसे उगलवाओगी? भैमार तुम्हें हमेशा समस्या ही दिखाई देती है, हल नहीं। इस जादू की मदद से अब तिमनासा किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी हासिल कर सकती है। शुक्रिया कालपरी, अब वक्त आ गया है नन्हे बालवीर से मिलने का और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करने का। चलो बल्टिन, आज मैं तुम लोगों को चॉकलेट केक खिलाता हूँ। प्लेट केक किस बात का विवाद? आज आंटी से डांटनी पड़ी इसलिए। डांट तो सुबह सुबह ही खा ली थी। दीदी, मम्मी की डांट में भी प्यार होता है, बल्कि जिस दिन मैं डांट नहीं खाता ना, तो वो दिन खाली खाली सा लगता है। पर विवान, चॉकलेट केक खिलाने का कोई तो रीजन होगा ना? रीजन हो तुम लोग, मेरी प्यारे अच्छे भोले से दोस्त, इसलिए तुम लोग यही रखो, मैं अभी तुम लोगों के लिए चॉकलेट केक लेकर आता हूँ, फिर बाद में हम क्रिकेट भी खेलेंगे। ओके हाँ। आंटी दो चॉकलेट केक,
आंटी चार मिलेंगे ना, एक पे एक फ्री है तो दो पे दो चार। विवान बोने के टाइम पे कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलेगा। हो चार चॉकलेट चाहिए ना तो चार चॉकलेट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ लेकिन आंटी फिर ऑफर का क्या? ऑफर तो कल फिनिश हो गया ना विवान, आज का दाम है एक चॉकलेट के दाम पे एक ही चॉकलेट है। आंटी थोड़ा समझिए ना, अरे दोस्तों के सामने बड़ा बड़ा डायलॉग मार कर आया हूँ और अगर चार चॉकलेट केक नहीं लेके गया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। और वैसे भी मैं एक चॉकलेट केक तो आपकी बेटी कोको के लिए लेके जा रहा हूँ ना, तो फिर कोको के लिए हो चाहे गोको के पापा के लिए हो, घंटे में कोई रिश्तेदारी नहीं हो विवान। हाँ लेकिन आंटी देखिए ना, डिब्बे पर भी लिखा बाय वन गेट वन फ्री। विवान अभी ताजमहल पे जाके मैं मेरा नाम लिख दूँ तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? है बात करे छे। आंटी को पता नहीं है कि सलमान भाई की तरह मैं भी एक बार कमिटमेंट कर दूँ तो किसी की नहीं सुनता, इनके ऊपर स्थिर मूर्ति जादू चलाना ही पड़ेगा। चॉकलेट की कमी हो पूर्ति, हो जाए इन पर स्थिर मूर्ति। ले विवान, दो चॉकलेट पे दो चॉकलेट फ्री। थैंक यू आंटी। डर भी नहीं बोल सकती कि मैंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है, अपने ही हक का मान लिया है। यस त्रिनाशा ने कालपुष्प अगर हासिल भी कर लिया तो क्या, उसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र तो नहीं है ना, और उस मंत्र के बिना त्रिनाशा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये स्वर्ण तिथि 500 साल में सिर्फ एक ही बार आती है, अगर हमने परितारा को कल्पुष्प अर्पित नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। त्रिनाशा ने भले ही छल कपट करके कल्पुष्प हासिल कर लिया लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, और इस पूर्णिमा की रात को हम परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करेंगे। समय कम है बालवीर, तुम कल्प पुष्प लेकर परितारा जागृत करने आओ और मुझसे वो खास मंत्र अभी सीख लो। त्रिनाशा को भी अब तक पता चल गया होगा कि कल्प पुष्प गुप्त मंत्र के बिना कुछ काम का नहीं, और इसीलिए इस मंत्र को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और विवान की सुरक्षा कीजिए। ये लो। थैंक्स विवान। थैंक्स विवान। थैंक यू विवान। आ जाओ। विवान आज तू नहीं होता ना तो आज मैं चॉकलेट केक के लिए तरस जाता। मुझे तो आपकी दुकान से खुद चॉकलेट केक खरीद के खाना पड़ता है। विवान ओह नो, मम्मी अपने दोनों हाथ कमर पर रख के विवान को घूर रही है, इसका मतलब इसने कुछ तो पंगा किया है। निकल लो बहनो वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। चल क्या हुआ मम्मी? बोलो नहीं सुनो, मैंने तुझे दो चॉकलेट केक के पैसे दिए थे ना, तो चार चॉकलेट केक कहाँ से खरीदी तूने? वो दिवाली आंटी ने दो चॉकलेट फ्री दिए ना, क्योंकि उनके वहाँ ऑफर चल रहा है ना बाय वन गेट वन फ्री, इसलिए। अरे दिवाली तो दिवाली के सीजन में कुछ फ्री ना दे तो आज किसे देगी? सच बोल, कुछ तो गड़बड़ की है तूने। सच बोल, अरे कहां से ली चार चॉकलेट? हाँ बोल, नहीं तो मैं जादू का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मम्मी की मार को मम्मी के प्यार में बदल रहा हूँ। बहुत अच्छा
क्या किया बेटा दोस्तों को चॉकलेट खिला के। अब चल होमवर्क करना है ना, घर चलते। चल चलो अब अपना होमवर्क करो, फिर सब मिलके मॉल जाएंगे। ठीक है मम्मी, मॉल से लौट कर कर लूंगा ना होमवर्क, अभी क्रिकेट खेलने दो ना प्लीज। अरे 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 बोलो नहीं सुनो, चुपचाप अपना होमवर्क करो वरना मॉल जाना कैंसिल और चमाट पड़ेगी वो अलग। चल होमवर्क कर, देख रही हूँ तुझे मैं। हाँ कर रहा हूँ। अब चमाट से डर नहीं लगता मम्मी, आपका बेटा अब जादूगर जो है। मैं तो क्रिकेट भी खेलूंगा, मॉल भी जाऊंगा और होमवर्क मॉल से लौट कर ही करूंगा। मास्टर विवान, अपनी मम्मी की एक बात सुन लो वरना मेरी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का वादा, क्या करूं? दादाजी में आए क्रिकेट खेलने की फुर्ती, अभी हो जाइए स्थिर मूर्ति। विवान अपना होमवर्क कर लो वरना। सॉरी दादू, लेकिन चल गया मेरा जादू। अरे बेटा पता नहीं आज मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, पहले क्रिकेट खेलते हैं, होमवर्क बाद में करना। जैसा आप कहें दादा। चलो जैसे कोई था यहाँ। मंसूर अली खान पटौड़ी से, यानी टाइगर। अब पूछो मंसूर अली खान पटौड़ी कौन? अरे एक मिनट बेटा, वो शर्मिला टैगोर जो फिल्म एक्ट्रेस के उनके पति थे। अब पूछेंगी कि शर्मिला टैगोर कौन है, तो शर्मिला टैगोर यानी सैफ अली खान की माता जी। अब पूछेंगे सैफ अली खान कौन है बेटा, एक मिनट। उधर यार चेयर के नीचे देख, वेरी गुड, फिक 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 फिक। अरे सैफ अली खान यानी तैमूर के पिता और करीना कपूर के पति। क्या यार गोपू, क्या हुआ? क्या दादाजी दादाजी से सवाल पूछने की? अरे बेटे तुम कैसे आउट हो गए, रन आउट? अरे हाँ दादाजी। अरे रन आउट तो कपिल देव किया करता था, मुझे याद है इंग्लैंड के साथ जब हमारा मैच हुआ था तब कपिल देव ने जो रन आउट। ये क्या कर रहे हैं आप, विवान को होमवर्क करने देने के बजाय आप खुद यहाँ क्रिकेट खेलने आ गए। अरे करुणा बहू तुम चिंता मत करो, बच्चों को खेलने दो, हफ्ते में 6 दिन तो ये लोग होमवर्क ही करते हैं। अरे खाली एक इतवार तो रहता है उन लोग को खेलने के लिए। फिकर मत करो, आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। ये बराबर। अच्छा ठीक है थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद होमवर्क करना है घर आकर। ठीक है चलो 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 जागो पू, कुछ नहीं आता। तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलता, आउट होने के बाद मुझे खेलने में मजा ही नहीं आता। आप लोग खेलो, हाँ ये रहा बैट, मैं चला। विवान तेरे दादाजी बिल्कुल तेरे जैसे ही है, कभी भी गायब हो जाते हैं। फील्डिंग कौन करेगा? फिकर नॉट, फिर से टीम बनाएंगे, फिर से टॉस होगा और फिर से गेम शुरू करेंगे। विवान को बहुत छूट दे रखी है दादाजी, बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं, इतना काम पड़ा है। तुम कौन हो?
कौन हो तुम? अरे है क्या कर रही हो यहाँ? कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। कौन है तुम? क्या है? बहू तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अब देखती हूँ बालवीर कि तुम मेरी इस चाल से कैसे बचते हो। आजकल लोक में इतनी शांति क्यों है? वो कल्प पुष्प ना ही तिमनासा के सिंहासन के पास है और ना ही किसी और जगह पर। आखिर तिमनासा ने उस कल्प पुष्प को छुपाया कहाँ? मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी वो भैरानी है ना तिमनासा, अरे उसका तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारा भैराजा भैमार, अरे वो तो सांस भी नहीं ले सकता मेरे बिना। और वो काला कलूटा अक्रूर इतना सा था तब मैंने उसे जंगल से उठा के लेके यहाँ पे लाए, गोद में खिलाए मैंने उसे, तुम्हें पता है? पता है, तोबा 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 तोबा। क्या कहा तुमने? तोबा 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 जी बोलो। ठीक है, तोबा तोबा जी। तोबा तोबा जी क्यों? श्री श्री महान महानतम 1008 तोबा तोबा जी बोलो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तोबा तोबा जी का ये तीखा चाटा चाटा। तिमनासा ने कल्प पुरुष कहाँ रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है? अरे बालवीर जी, क्या पूछा आपने? कल्प पुरुष उधर उधर रखा है। भाग तो बातों भाग, 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 भाग। अरे मेरी नन्नी उंगली गई। विवान की माँ कालुक भी। विवान भैया। विवान रेडी? बचपन से विवान।
बंद करो खेल अब। मम्मी एक बॉल भी नहीं करे ऐसे भी। मैंने कहा ना चलो घर। मम्मी कहाँ है मेरा? प्लीज कान छोड़ दो। कल्पना आंटी इतने गुस्से में तो कभी नहीं आती। आज तो सॉलिड क्लास लगेगी विवान की। इन परियों की नजरों के सामने से विवान को काल लोक लेकर जा रही हूँ मैं, और ये दर्शक बनकर देख रही हैं। ठीक इसी तरह मैं वीर लोक को बालवीर की नजरों के सामने बर्बाद कर दूंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ खड़े हुए देखता रहेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।